नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर इंदौर से है, जहां एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन तीन पति गेम के चक्कर में सुसाइड कर लिया। उसने जहर खाने से पहले अपनी बहन को मैसेज करके इसकी जानकारी दी। बहन ने उसके रूम पार्टनर को फोन कर बताया, दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्टूडेंट के पास सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने बताया कि छात्र जितेंद्र वास्करे 5 साल पहले इंदौर आया था। वो भवरकुआ में किराए के मकान में रह रहा था। वह खारगोन जिले का रहने वाला था। उसके साथ कुछ अन्य साथी भी रहते थे। मृतक बीए और पीजीडीसी की पढ़ाई के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता था। उसके पास सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के अनुसार जितेंद्र को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। लगभग 1 साल से ऑनलाइन गेम खेल रहा था। गेम खेलने के लिए उसने निजी फाइनेंस कंपनी से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। लोन की किस्त नहीं चुका करने के कारण वह परेशान होकर कदम उठाया। पुलिस ने मर कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जितेंद्र ने जहर खाने से पहले उसकी बहन दिव्या को मैसेज भी भेजा था। जितेंद्र की बहन दिव्या नर्सिंग का कोर्स कर रही है, जबकि पिता खारगोन में मजदूरी करते हैं। जितेंद्र कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए इंदौर आ गया था। माता पिता की स्थिति खराब देखकर उसने तीन पत्ती खेलना शुरू किया। उससे रुपए जीतने के लालच में कर्जा कर दिया। परिवार ने बताया कि जितेंद्र को तीन पत्ती खेलने की लत इतनी बढ़ गई थी कि उसने ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से कर्ज ले लिया था। वो पूरा पैसा तीन पत्ती गेम में हार गया और जब उस पर अधिक कर्जा हो गया तो उसने जहर खा लिया। पुलिस अब मोबाइल के आधार पर अन्य जानकारी भी जुटा रही है। जितेंद्र के साथी दीपक का कहना है कि जितेंद्र के कुछ दिनों पहले ऑनलाइन कंपनी से उसने लोन लिया था। कंपनी वाले उसे किस्त भरने के लिए परेशान करते थे और धमकियां देते थे। कई दिनों से वो परेशान थे। सभी रूम पार्टनर अलग अलग जगह नौकरी करते हैं। जितेंद्र रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करता था। आजकल मोबाइल पर कई लोन ऐप है जो KYC के आधार पर लोन देते हैं। इनमें लोन लेने वाले को सिबिल देखा जाता है और उसी के आधार पर लोन की राशि तय होती है। इस लोन पर कंपनी 14% से भी ज़्यादा ब्याज वसूलती है। 3 EMI जमा नहीं कराने पर कंपनी डिफॉल्टर घोषित कर अकाउंट बंद कर देती है और फिर पैसे के लिए तकादा किया जाता है। बताया जा रहा है कि मृतक ने लोन की 1 भी किस्त जमा नहीं की थी। लोन लिया था तो उस कंपनी वाले ने उसको धमकाने की बात करी थी और ये भी जिक्र करा कि व्हाट्सएप पे धमकी दी और गाली गलौज भी करी है उसके साथ। इसके कारण वो डिप्रेशन में आके और घर वाले क्या बोलेंगे ऐसे करके और मेरी इज्जत क्या रहेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।